जब जब क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, तब हमें ढेर सारा ड्रामा और एक्शन देखने को मिलता है। दोनों ही देशों के खिलाड़ी जब मैदान पर होते हैं, तब मैच के आखिरी गेंद तक एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद ये ऑन फील्ड दुश्मन जिगरी दोस्त बन जाते हैं। जी हाँ, एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान टीम के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार पूर्व लेजेंडरी तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने इस बात का खुलासा किया। साथ ही अकरम ने साल 1987 भारत में खेली होली की अपनी यादों को भी ताजा किया। जब वसीम अकरम से पूछा गया कि ऑन फील्ड भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी हमेशा लड़े, लेकिन क्या ऑफ फील्ड भी खिलाड़ी आपस में लड़ते थे, इस पर लेजेंडरी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कहा, जी हाँ, ऑन फील्ड हम लड़े, मैच की आखिरी गेंद तक लड़े, ऑफ फील्ड हम सब में सब कुछ ठीक था। मैंने आखिरी बार भारत के साथ साल 2003 वर्ल्ड कप के दौरान मैच खेला था। मैच खत्म होने के बाद हम बहुत अच्छे दोस्त होते थे, हम साथ बैठते थे, आपस में हंसी मजाक करते थे। मैं मैच खत्म होने के बाद अजहर के साथ खाना खाता था। मुझे याद है 1987 का टूर, दिलीप वेंग सरकार और जावेद भाई ऑन फील्ड एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन मैच के बाद दोनों एक साथ मिलते थे। आगे वसीम अकरम ने 1987 टूर के दौरान भारतीय टीम के साथ खेली होली की अपनी यादों को ताजा किया। उन्होंने इस बारे में कहा, 1987 में भारत के दौरान हमने पहली बार होली खेली, ये मेरे जीवन के खूबसूरत पलों में से एक था। इससे पहले मैंने कभी होली नहीं मनाई थी, और जब मनाई 3 महीने बालों से रंग ही नहीं गया, जब नहाते थे तो पानी गिरता था तो काला काला निकलता था। वसीम अकरम ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के रोमांच की खूबसूरती को बयां किया। उन्होंने कार्यक्रम में आगे ये भी बताया कि भले ही फील्ड पर पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटर्स एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो, लेकिन ऑफ फील्ड प्रोफेशनल्स की तरह एक अच्छे दोस्त बने रहे और आगे भी रहेंगे।